Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So today we are going to solve numerical based on river swimmer and river boat concept. First problem is a boat is moving with a velocity 3i plus 4j with respect to the ground. जब कभी भी ऐसे वेक्टर नोटेशन में दिया हुआ है तो हम डायग्राम ड्रॉ करके कॉन्सेप्ट समझ के भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है तो हम ब्लाइंड वे में भी जा सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3i प्लस 4j विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मींस वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन विच इज 3i प्लस 4j एंड वॉटर इन द रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वॉटर इज गिवन माइनस 3i माइनस 4j. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे इजी क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉटर. वेलोसिटी ऑफ बोट इज 3i प्लस 4j माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉटर माइनस 3i माइनस 4j. देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे हमें मिलेगा प्लस 3i प्लस 4j, सो रिजल्टेंट हो जाएगा 6i प्लस 8j. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. रिवर का डायरेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ अ स्पीड ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 5 मीटर पर मिनट. अ मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ऑन साउथ बैंक देयर इज अ मैन कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वॉटर, वॉन्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. अब इसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो इसे सीधा जाना पड़ेगा, सो यहां पे ये सीधा ट्रेवल करेगा विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट, लेकिन ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इसे ड्रिफ्ट मिलेगा और ये कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएगा. सो क्वेश्चन में पूछा गया है ही शुड स्विम, हमें जस्ट डायरेक्शन बतानी है. हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए पर्सन को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना पड़ता है. सो यहां पे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इसे सीधा जाना पड़ेगा. अगर वो साउथ में खड़ा है, सीधा जाएगा मतलब उसे ड्यू नॉर्थ स्विम करना पड़ेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट गिवन इंफॉर्मेशन से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप रिलेटिव वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये आप होमवर्क ले सकते हो कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फाइंड आउट करनी है, एंड एट द सेम टाइम आपको ड्रिफ्ट भी फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर. द स्पीड ऑफ वॉटर इन द स्ट्रीम इज, चलो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर सारे जितना भी डेटा दिया हुआ है हम इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो यहां पर हमें रिवर का विड्थ दिया नहीं है, डी दिया नहीं है, एंड क्या कहा गया है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन को ऑपोजिट पॉइंट में जाना है एंड उसका स्पीड है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 0.5. सो ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, यहां पे नहीं कहा गया कि उसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, तो इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है. कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. सो जैसे कि हमने पहले भी देखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसे कुछ एक एंगल पे वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. सो वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन ये होगा
और जिस वेलोसिटी के साथ ये ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। द स्पीड ऑफ वॉटर इन द स्ट्रीम इज, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, और स्विमिंग स्टार्ट कर रहा है कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर ये है, तो यहां से टोटल 120 डिग्री है, हमें पता है ये हो गया 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अब हमारे पास थीटा है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट साइड गिवन है, सो यहाँ पे हम साइन 30 अप्लाई कर सकते हैं। साइन 30 हो जाएगा वी आर बाय वी एम। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वी आर हमें फाइंड आउट करना है, वी एम कितना दिया हुआ है, वी एम दिया हुआ है 0.5। सो इससे वी आर मिल जाएगा, वी आर इक्वल टू 0.5/2 विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर रिवर दिया हुआ है, रिवर कितना वाइड है, 500 मीटर। सो 500 मीटर वाइड दिया हुआ है। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। अगेन उसे मिनिमम डिस्टेंस पे ही जाना है, तो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे ये वेलोसिटी अप्लाई करेगा। सो पर्टिकुलर एंगल पे जो वेलोसिटी अप्लाई कर रहा है ये होगा 5 किलोमीटर पर आवर। सो 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से ये यहां ट्रेवल कर रहा है। देन हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। सो यहां पर क्या दिया हुआ है कि स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया हुआ है, फ्लोइंग वॉटर 3 किलोमीटर पर आवर। देन हमें पता है ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर आगे जा रही है, तो कुछ वेलोसिटी यहां पे अप्लाई हो रही होगी, मतलब 5 साइन थीटा इसे बैलेंस कर रहा होगा और 5 कॉस थीटा से ये ट्रेवल कर रहा होगा। तो हमें बेसिकली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, तो इससे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। सो ऑब्वियसली कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। देन टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस 500 मीटर में दिया हुआ है, 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 5 कॉस थीटा। सो 0.5 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, 5/5 कैंसिल, 0.5/4 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं, दिस इज, क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है 5 किलोमीटर पर आर में है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा आर। आर को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा। सो 5 नीचे 4, ये पॉइंट रिमूव करके हमने यहां 0 दे दिया, 0 0 कैंसिल। सो इक्वल टू 5 इंटू 3/2, 5 3 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 मिनट। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ स्विमर वॉन्ट टू क्रॉस अ रिवर एज सून एज पॉसिबल, इफ ही क्रॉसेज द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इट टेक्स 4 सेकेंड
मोर देन मिनिमम टाइम. इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड स्विमर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 17 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. हमें शॉर्टेस्ट पाथ है ये. ओके, तो दो केसेस दिया हुआ है, सो हम दोनों केसेस यहां पे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहला केस कंसीडर करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम का. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए विड्थ हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के लिए हमें डी फाइंड आउट करना है. सो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई होगी, थीटा एंगल पे वेलोसिटी ऑफ मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस करेगा वीएम साइन थीटा, और जिस वेलोसिटी से रिवर क्रॉस हो रही है वो होगी वीएम कॉस थीटा. देन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए पर्सन अपनी वेलोसिटी सीधी लगाएगा, बट क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसे ड्रिफ्ट मिलेगा, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. देन यहां पर तो इस केस में सपोज टाइम t1 है, t1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d है और वेलोसिटी vm cos theta. एंड इस केस में डिस्टेंस t2 है, वेलोसिटी डिस्टेंस d है, वेलोसिटी vm है, एंड vm इज गिवन. क्वेश्चन में vm दिया हुआ है 17 मीटर पर सेकेंड. सो हमें cos theta की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा vm sin theta इक्वल टू 8. सो sin theta हो जाएगा 8 बाय vm की वैल्यू दी हुई है हमें 17. सो इससे अगर हम cos theta निकालते हैं तो cos theta मिल जाएगा 15 बाय 17. सो d बाय 17 इंटू 15 बाय 17, 17 कैंसिल, t1 दिया हुआ है d बाय 15 और t2 आता है d बाय vm की वैल्यू है 17. एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों केसेस का टाइम का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 4. सो d बाय 15 माइनस d बाय 17 इक्वल टू 4. इसको सिंप्लीफाई करने पे d आ जाता है 510 मीटर. सो आप इसे पूरा डिटेल में कैलकुलेट करके देखिए, एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है. इस बार मैंने क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. लेक्चर पीडीएफ के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.